नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्मकमल के पौधे के ऊपर पूरी जानकारी दूंगी कि आप इसकी किस तरीके से केयर कर सकते हैं, जिससे इसकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो, साथ ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो। देखिए दोस्तों, कुछ टाइम पहले ये फ्लावर खिले हुए थे और अब ये इस तरीके से सूख गए हैं। दोस्तों, जब भी आपके पौधे में फ्लावरिंग हो, उसके बाद इसके फ्लावर को इस तरीके से पौधे से हटा दीजिए। पौधे से फ्लावर को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पौधे में फ्लावर को ऐसे ही रहने देते हैं तो जो फ्लावर होता है वो पौधे की एनर्जी को लेता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा सा रुक जाती है। और दोस्तों, जब हम पुराने फ्लावर को पौधे से हटाते हैं तो जो नए नए फ्लावर आते हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो देखिए दोस्तों, ये तीन फ्लावर इसमें खिले हुए थे और तीन के तीन पैने फ्लावर इसमें से हटा दिए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से इनकी केयर करेंगे, जिससे आपके पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो और साथ ही ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो। दोस्तों देखिए, जो हमारा ये ब्रह्मकमल का पौधा है, अभी इसमें इस साल ये तीसरी फ्लावरिंग हो रही है। दो बार इसमें फ्लावर खिल चुके हैं और तीसरे बार की तैयारी ये शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, एक साल में इस पौधे में 4 से 5 बार फ्लावरिंग हो जाती है, अगर हम इसमें अच्छे से केयर करते हैं तो। और दोस्तों, बहुत से लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे पौधे में 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, पौधा बहुत अच्छा और हेल्दी है। दोस्तों, ये फ़र्क मौसम का भी पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये पौधा है ठंडे इलाकों का और ठंडे इलाकों में यहाँ पर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। गर्म एरिया होता है जहाँ पर, वहाँ पर इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, अभी मैं आई हुई हूँ उत्तराखंड अपने मायके में, जहाँ पर ये पौधा है और बहुत अच्छे से यहाँ पर ये ग्रोथ कर रहा है। सबसे पहले हम करते हैं सनलाइट की बात। तो दोस्तों, इस पौधे को यहाँ पर इस जगह पर रखा है जहाँ पर इसमें 3 घंटे की सुबह की अच्छी सी धूप मिल जाती है। 3 घंटे की डायरेक्ट धूप इसे मिलती है सुबह के टाइम की, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। और दिन भर में इसको सिर्फ धूप की जो हल्की सी रोशनी इस पर आती है, डायरेक्ट इसके ऊपर धूप नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, इस पौधे को हमें ऐसी जगह पर लगाना होता है जहाँ पर इसे सुबह या शाम की डायरेक्ट धूप मिले, सिर्फ जो दिन के टाइम की तपती धूप हो वो इसके ऊपर ना पड़े। दूसरा दोस्तों, हम करेंगे पॉट की बात, हमें इसे किस साइज के पॉट पर लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमने इस साल इस प्लांट को रिपोर्ट किया हुआ है, ये हमने लगाया है अभी इस साल 18 इंच के पॉट पे। जो एक प्लांट है वो लगा है 18 इंच के पॉट पे और जो दूसरा पॉट है वो है 14 इंच का। ये हमने बड़े पॉट में इसी साल लगाया है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके थे। इससे पहले ये प्लांट सिर्फ 10 और 12 इंच के पॉट पर ही लगे हुए थे। तो दोस्तों, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब आपका पौधा छोटा है, आप छोटा सा पौधा या कटिंग नर्सरी से लाए हैं, इस साइज का आपका पौधा है, तो आप उसे सिर्फ 6 इंच के पॉट पे ही लगाएं। 1 से 1.5 साल तक आप सिर्फ 6 इंच के पॉट पे आप उसे ग्रो होने दें, उसके बाद आप उसे लगाएं 10 इंच के पॉट में। 10 इंच के पॉट में भी वो पौधा आराम से 2 से 3 साल ग्रो करेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत छोटा पौधा हो और अगर आप उसे बड़े पॉट पर लगा देते हैं तो उसकी ग्रोथ कभी भी अच्छी नहीं होगी, प्लांट धीरे धीरे खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा छोटे पौधे को छोटे ही पॉट पर लगाना जरूरी होता है। और दोस्तों, इस प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इस तरीके की जो पत्तियाँ होती हैं वो साइड से ब्राउन होने लग जाती है। तो दोस्तों, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये इस प्लांट में होती ही है। बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ी बहुत पत्तियाँ ब्राउन हो रही हैं तो कोई बात नहीं, वो होती ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आप मार्केट से फंगीसाइड पाउडर लाके 1/2 चम्मच फंगीसाइड पाउडर अपने प्लांट में डाल सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हम बात करेंगे वाटरिंग की, कि इसे पानी कितना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, हमें ये समझना होता है कि हमारा प्लांट कितना बड़ा है। अगर प्लांट बहुत बड़े साइज का है तो उसे पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, और अगर छोटा प्लांट है तो पानी की ज़रूरत कम होगी। तो इसलिए हमें अपने पौधे के हिसाब से पानी देना होता है, कि प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत पत्तियाँ होती हैं, तो उसे उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है पानी की। लेकिन अगर छोटा सा प्लांट है या फिर आपने छोटी सी कटिंग लगाई है तो उसे पानी की ज़रूरत उतनी ही कम होगी। तो दोस्तों, अभी है जून का महीना और आप मेरे प्लांट की मिट्टी देखिए, बिल्कुल सूखी है। जून के महीने में भी मैंने 3 दिन हो गए हैं, हमने इसे अभी पानी नहीं दिया है। इसकी मिट्टी में जब बिल्कुल पानी अच्छे से सूख जाता है, हम इसे तभी पानी देते हैं। अक्सर दोस्तों, हमें पता नहीं चलता, नीचे से जो मिट्टी होती है, नीचे से ज़्यादा पानी डालने से जो इसकी जड़ें होती हैं वो गल के ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए पानी हमेशा चेक करके डालें, जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी हमको इसे पानी देना है। दोस्तों, इस तरीके से हमें इस पौधे को सनलाइट और पानी देना है। तीसरी हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी फर्टिलाइज़र की।
इस पौधे को दोस्तों साल में दो बार आपको सूखी हुई खाद देनी है, जिसमें आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। सिर्फ दो बार दीजिए साल में सूखी हुई खाद अच्छे से। और अगर आप गोबर की खाद दे रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि गोबर की खाद अच्छे से सड़ी होनी चाहिए, जो अच्छे से डिकम्पोस्ट खाद होती है वही दें। अक्सर दोस्तों जो कच्ची गोबर की खाद हम दे देते हैं उससे उसको डालने से प्लांट में नीचे से वाइट कलर के कीड़े हो जाते हैं, जो गोबर की खाद से होते हैं वो धीरे धीरे प्लांट की जड़ों को खाने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हमारा प्लांट अचानक सूख जाता है। तो इसलिए गोबर की खाद वही दें जो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई हो, नहीं तो आप वर्मी कम्पोस्ट दे सकते हैं। इसके बाद आप लिक्विड खाद आप हर महीने में या 20 दिन में एक बार अपने प्लांट को दे सकते हैं, कोई भी लिक्विड खाद। अगर आप ऑर्गेनिक लिक्विड खाद बना रहे हैं जैसे सब्जियों के छिलकों की या फिर मस्टर्ड केक की, तो उसे तभी दें जब मिट्टी अच्छे से सूखी हो। कभी भी जो हम घर पर लिक्विड खाद बनाते हैं उसे गीली मिट्टी में नहीं देना चाहिए। गीली मिट्टी में देने से लिक्विड खाद को उसमें फंगस पकड़ सकता है। जब मिट्टी अच्छे से सूखी हो तभी आप लिक्विड खाद दें, चाहे कोई भी आपका प्लांट हो। इसके साथ ही अगर आप मार्केट की खाद देना चाहते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट में मिलते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है इसमें DAP। यहाँ पे मम्मी इसमें सूखी हुई गोबर की खाद और टाइम टाइम पे इस पर DAP की खाद डालती है। DAP की खाद दोस्तों इस तरीके के छोटे छोटे ये दाने आते हैं, ये दो कलर में आते हैं, एक इस तरीके से क्रीम कलर के दाने होते हैं, ये देखिए वाइट वाइट क्रीम क्रीम कलर के, और जो दूसरे आते हैं वो होते हैं ब्राउन कलर के छोटे छोटे से दाने। ये DAP के नाम से आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएगी। जो ये खाद होती है दोस्तों, ये इसे नीचे वाली खाद के नाम से भी जानते हैं, बहुत जगहों पे नीचे की खाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बहुत अच्छी खाद होती है, साथ ही बहुत सस्ती है, 40 से 45 रुपए किलो ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और इस खाद को दोस्तों आपको अगर अपने बड़े पौधे में देना है तो आप आपका पौधा बड़ा है तो आप 1 से 1.5 चम्मच इस खाद को दे सकते हैं, लेकिन आपका पौधा अगर बिल्कुल छोटा है, जितनी मेरी ये पत्ती है इस साइज का है, तो आपको सिर्फ 4 से 5 दाने ही इस खाद के डालने होंगे। केमिकल वाली जितनी भी खादें होती हैं उन्हें ज़्यादा प्लांट में नहीं देना होता है, कम मात्रा में देना ही उनके लिए सही रहता है। के साथ ही आप इसको NPK 19-19-19 भी दे सकते हैं, उससे भी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आप मार्केट की कोई भी इसमें केमिकल वाली खाद डालते हैं तो हमेशा जो पौधा होता है उसकी मेन स्टेम से दूरी पे ही खाद डालें, इस तरीके से जो पॉट होता है उसके किनारे किनारे, एकदम जो प्लांट होता है उसकी जड़ों के पास में कभी भी हमें खाद नहीं डालनी होती है। और खाद डालने के बाद हल्की सी इस तरीके से गुड़ाई करके बहुत अच्छे से इसमें पानी दे दें। ये आपको 3 से 4 दिन बाद दें, लेकिन अच्छे से दें जो नीचे तक जड़ों को मिल सके। बार बार अगर हम थोड़ा 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 पानी डेली देते हैं तो उससे जो मिट्टी होती है ऊपर से तो गीली रहती है, लेकिन नीचे प्लांट की जड़ें सूख जाती हैं। दोस्तों जो DAP खाद है वो आपको अगर लोकल मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी वो बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके साथ ही आप डाल सकते हैं NPK भी नॉर्मल दुकानों में आसानी से मिल जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने पौधे की केयर करनी है, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी। तो इसलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।